जब भी आप कॉल पे किसी से बात कर रहे होते हो और उस दौरान अगर कोई दूसरा आपके नंबर पे कॉल करता है तो उसका कॉल या तो वेटिंग बताता है या फिर आपका नंबर बिजी बताता है। ऐसे में आपसे बहुत सारे सवाल किए जाते हैं कि इतनी देर तक किससे बात कर रहे थे, कहां बिजी थे, और आपको बहाने बनाने पड़ते हैं। तो इस वीडियो में दोस्तों मैं आपको एक ऐसी ट्रिक बताने वाला हूं जिससे जब भी आप कॉल पे किसी से बात कर रहे होंगे और उस दौरान अगर कोई दूसरा आपके नंबर पे कॉल करेगा तो उसका कॉल ना ही वेटिंग बताएगा और ना ही आपका नंबर बिजी बताएगा, बल्कि आपका नंबर इनवैलिड या फिर फोन स्विच ऑफ बताएगा। ऐसे में सामने वाले को ऐसा लगेगा कि या तो आपके नंबर में कोई प्रॉब्लम है या फिर आपका फोन स्विच ऑफ है। तो अगर आप इस ट्रिक को सीखना चाहते हो तो वीडियो को ध्यान से और एंड तक देखना और साथ में लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर लेना। तो आइए दोस्तों आज कुछ नया सीखते हैं। तो सबसे पहले दोस्तों आपको अपने फोन में डायलर को ओपन करना है, फिर आपको यहाँ ऊपर कोने में इस थ्री डॉट्स पे क्लिक करके सेटिंग्स पे क्लिक कर देना है और आपके सामने ऐसा इंटरफेस निकल के आएगा। इस पेज पे आपको स्क्रॉल करके नीचे जाना है और यहाँ नीचे साइड में एक ऑप्शन मिलेगा सप्लीमेंट्री सर्विसेज, सिंपली एक बार इस पे आपको क्लिक करना है और कुछ सेकंड के लिए वेट करना है। अभी आप देख सकते हो ये स्क्रीन पूरी तरीके से विजिबल नहीं है और फंक्शनल भी नहीं है, कुछ सेकंड का टाइम लगेगा ये स्क्रीन पूरी तरीके से विजिबल हो जाएगा और फंक्शनल भी। उसके बाद से आपको यहाँ पे इस तरह से देखिए चार पांच ऑप्शन देखने को मिलेंगे, शो योर कॉलर आईडी, कॉल फॉरवर्डिंग, कॉल बारिंग, कॉल वेटिंग, फिक्स डायलिंग नंबर्स। सबसे पहले आपको इस कॉल वेटिंग वाले सेटिंग को डिसेबल कर देना है, क्योंकि दोस्तों बाय डिफॉल्ट आपके फोन के अंदर ये कॉल वेटिंग वाला सेटिंग इनेबल होता है, तो इसे आपको डिसेबल करना है। डिसेबल करने के बाद अब आपको यहाँ कॉल फॉरवर्डिंग इस पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको दो ऑप्शन देखने को मिलेगा, वॉइस कॉल्स, वीडियो कॉल्स। अगर दोस्तों ये सेटिंग आपके फोन में इस तरह से नहीं मिलता है फिर आपको क्या करना है, आपको अपने फोन में सेटिंग्स के पेज को ओपन करना है, सर्च बॉक्स पे क्लिक करके इसमें आपको टाइप करना है कॉल और सर्च कर लेना है। यहाँ पे आपको कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, या फिर अगर आपके फोन में गूगल का डायलर है, जैसे कि आप देख सकते हो इस फोन के अंदर गूगल का डायलर दिया है, क्योंकि दोस्तों आजकल मैक्सिमम फोन्स में ये गूगल का ही डायलर होता है, तो आपको अपने फोन में इस गूगल के डायलर को ओपन करना है, फिर आपको यहाँ ऊपर कोने में इस थ्री डॉट्स पे क्लिक करके सेटिंग्स पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको एक ऑप्शन मिलेगा कॉलिंग अकाउंट्स, इस पे आप क्लिक करोगे यहीं पे आपको कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन देखने को मिल जाएगा, या फिर हो सकता है आपके डायलर के अंदर एक ऑप्शन मिले करियर रिलेटेड सेटिंग्स, उस पे क्लिक करोगे उसके अंदर कॉल फॉरवर्डिंग का ऑप्शन आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पे आपको इस पहले वाले ऑप्शन वॉइस कॉल्स इस पे क्लिक कर देना है और फिर से कुछ सेकंड के लिए वेट करना है और ये स्क्रीन पूरी तरीके से विजिबल और फंक्शनल हो जाएगा। फिर आपको यहाँ पे ये चार ऑप्शन देखने को मिलेगा, पहला ऑप्शन है ऑलवेज फॉरवर्ड, दूसरा ऑप्शन है फॉरवर्ड व्हेन बिजी, तीसरा ऑप्शन है फॉरवर्ड व्हेन अनआंसर्ड और चौथा ऑप्शन है फॉरवर्ड व्हेन अनरीचेबल। आपको यहाँ पे दूसरे वाले ऑप्शन फॉरवर्ड व्हेन बिजी इस पे क्लिक करना है और इस तरह का दोस्तों ये बॉक्स ओपन हो जाएगा। इस बॉक्स के अंदर आपको एक नंबर टाइप करना है, आपको यहाँ पे टाइप करना है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 0, एक से लेकर नौ तक टाइप करना है, फिर लास्ट में जीरो टाइप कर देना है। यही नीचे देखिए इनेबल का ऑप्शन है, सिंपली आपको यहाँ इनेबल पे क्लिक करके इस सर्विस को इनेबल कर देना है, बस इतना सा काम करना है। उसके बाद से दोस्तों जब भी आप कॉल पे किसी से बात कर रहे होंगे और उस दौरान अगर आपके नंबर पे कोई भी कॉल करेगा तो आपका नंबर ना ही बिजी बताएगा और ना ही उसको कॉल वेटिंग बताएगा, बल्कि आपका नंबर इनवैलिड या फिर आपका फोन स्विच ऑफ बताएगा। मैं आपको यहाँ पे लाइव एग्जांपल दिखाता हूँ। मैं अभी इस फोन से एक कॉल लगाता हूँ और जब कॉल चालू हो जाएगा उसी दौरान दूसरे फोन से उस नंबर पे कॉल करूंगा, आप देखना आपको क्या सुनने को मिलेगा। मैं कॉल लगाता हूँ 198 पे, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे कॉल लग चुका है। अब मैं इस फोन से इसी नंबर पे कॉल करता हूँ, ठीक है, किस नंबर से आप संपर्क करना चाहते हैं अभी? अभी दोस्तों आपने देखा यहाँ पे कॉल चल रहा है, इसी नंबर पे मैंने कॉल किया तो अभी फोन स्विच ऑफ बता रहा है। मैं एक बार और ट्राई करता हूँ, हो सकता है इनवैलिड नंबर भी बताएगा, मैं आपको दिखाता हूँ। तो जैसे कि आप देख सकते हो कॉल चल रहा है, उस दौरान अगर कॉल आ रहा है तो नंबर इनवैलिड बता रहा है या फिर स्विच ऑफ बता रहा है। और अगर आप इस सर्विस को बंद करना चाहते हो या फिर नंबर को चेंज करना चाहते हो तो इसके लिए आपको फिर से उसी पेज पे आना है,
फॉरवर्ड व्हेन बिजी, इस पे क्लिक करना है। अब आप यहाँ पे देख सकते हो डिसेबल का ऑप्शन है, सिंपली आपको यहाँ डिसेबल पे क्लिक कर देना है और ये सर्विस बंद हो जाएगा। तो इस तरह से दोस्तों आप इस ट्रिक का यूज कर सकते हो। उम्मीद है दोस्तों आपको ये वीडियो जरूर पसंद आया होगा। वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगा हो तो आप इसको लाइक और शेयर कर देना। चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है प्लीज इसको सब्सक्राइब कर लेना। फेसबुक पे देख रहे हो तो आप मेरे फेसबुक पेज को लाइक और फॉलो कर लेना।